हेलो दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखेंगे गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड करने के क्या नियम हैं, ये सारी चीज़ आज आप बारीकी से सीखेंगे। तो गुणनखंड में होता क्या है, सबसे पहले तो गुणनखंड में कोई दो संख्या होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वही संख्या अगर पुनः प्राप्त हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं गुणनखंड। जैसे कि एक सपोज दैट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो इसको हम जो है इसका जो हमारा गुणनखंड करके आएगा वो क्या आएगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू आएगा। कैसे, जैसे कि एक्स स्क्वायर है माइनस, इसको टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। और गुणनखंड में होता क्या, इसी संख्या यानी दोनों संख्या को अगर फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी गुणा कर देते हैं तो वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाए और उसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड, ठीक है, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को लिए हैं और क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और आप लोग को वीडियो को रोक करके आप कॉपी में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखा है क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है गुणनखंड करने का नियम क्या है, कि पहला संख्या और तीसरी संख्या का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी जो अंकगणितीय मान होता है उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो आता है उसका हम खंड करते हैं। खंड करने के बाद जो भी मान आता है उसे हम जोड़कर घटाकर गुणा करके चाहे जैसे हमें बीच की मान को लेके आना है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को पहला और तीसरा को गुणा करेंगे, यानी इस वाले मान को और इस वाले मान को गुणा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक माना जाएगा। अगर किसी संख्या इसमें एक्स स्क्वायर के पहले अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर एक मानेंगे, तो ठीक है। और एक में छः का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, छः आएगा। और छः का हम क्या करेंगे, खंड कर देंगे। तो खंड सबको आता है, तो देखिए कर दिया हम, दो और तीन आ गए। हमको करना क्या है, हमको बीच की संख्या लानी है। कैसे, चाहे वो जोड़ कर लानी है, चाहे घटा कर लानी है, चाहे गुणा करके लानी है, ठीक है। तो चलिए हम पाँच लाते हैं। तो देखिए दो और तीन है, तो दो और तीन कितना होगा, पाँच होगा। तो हम जोड़ दिए, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस दो धन तीन कोष्टक बंद एक्स प्लस सिक्स। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका देखिए दोनों कोष्टक के बाहर में जो है एक्स है और इन कोष्टक और एक्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो अब इन दोनों में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स। अब हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा जो है मान, कौन सा जो है संख्या जो है दोनों में जो है मिल रहा है, अगर दोनों में अगर मिल रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब x बाहर एक निकल आया तो एक x यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो यहाँ x प्लस, अब देखिए एक x निकल आया था तो यहाँ क्या बचेगा, टू, ठीक है। तो x प्लस टू हो गया प्लस, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, जो इसमें आएगा वही संख्या इसमें भी आनी चाहिए। तो इसमें हम थ्री कॉमन ले लेंगे, तो जब थ्री कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस तीन दुना छः। तो देखिए अब एक दोनों जो मिल रहा है वो एक कोष्टक में हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा है वो अगला कोष्टक में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टू और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, यही हमारा गुणनखंड जो है निकल कर आया, एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो गुणनखंड सही है या नहीं सही है तो आप इन दोनों को जो है मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और अगर ये संख्या प्राप्त हो जाती है तो आप जान लीजिए कि हमारा गुणनखंड सही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस छ क्यू प्लस एट, क्यू स्क्वायर प्लस छ क्यू प्लस एट। इससे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकता है, ठीक है।
तो अभी देखिए, अब देखिए इसके पहले कोई संख्या है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो एक में आठ का गुणा होगा यानी पहला और तीसरा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आठ आ जाएगा। अब आठ को हम खंड कर लेंगे, खंड तो सबको आता है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले छोटी संख्या को हम लोग काटते हैं, जब तक कट रहा है तो काटेंगे, तो ये हो गया। तो देखिए अब इसे हमें जोड़कर घटाकर गुणा करके चाहे जैसे करके हमें क्या करना है, बीच की संख्या को लानी होती है। तो चलिए हमें छः क्यों लाना है, यानी छः लाना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ते हैं, दो दो और दो है तो दो दो कितना हो जाएगा चार, और चार दो छः, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर प्लस, या तो इसी क्वेश्चन में कर दीजिए, ठीक है, टू प्लस फोर कोष्टक के बाहर क्यू प्लस एट। अब देखिए क्यू स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टू क्यू प्लस फोर क्यू प्लस एट। अब इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, देखिए दो दो का जोड़ा बना लेंगे, दो दो का जोड़ा बनाने के बाद जो इसमें मिलेगा उसी को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्यू क्यू मिल रहा है तो क्यू कॉमन ले लिए, तो एक क्यू जब बाहर आ गया तो एक क्यू रह गया तो एक क्यू अंदर हो जाएगा, प्लस देखिए एक क्यू बाहर आ गया था तो यहाँ क्या बचा, दो बचा, ठीक है, प्लस फोर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू प्लस चार दूनी आठ। जो कॉमन लेते हैं वो क्या होता है, उस संख्या से भाग दे देते हैं, तो जो हमारा बचता है वही हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो देखिए ये दोनों, अब चेक करने का ये भी नियम है कि अगर एक क्वेश्चन में क्यू प्लस टू आया तो अगला क्वेश्चन में भी क्यू प्लस टू आना चाहिए, अगर नहीं आया तो जान लीजिए हमारा गुणनखंड गलत है। तो अब देखिए जो दोनों मिल रहा है तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा क्यू प्लस टू, और जो नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन में हो जाएगा क्यू प्लस फोर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आप अगर चाहते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है या नहीं सही है तो आप गुणा कर लीजिए क्यू प्लस टू और क्यू प्लस फोर का, तो आपको अगर ये आ जाता है तो जान लीजिए आपका गुणनखंड सही है। चलिए हम तीसरा गुणनखंड को और चलते हैं। तीसरा हमारा गुणनखंड क्या है, एम स्क्वायर प्लस ग्यारह एम प्लस एट, सॉरी चौबीस है। अब देखिए यहाँ पर भी एक है, मतलब कि कोई संख्या नहीं है तो एक माना जाएगा, तो पहला और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक में चौबीस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, चौबीस आएगा, और चौबीस का हम खंड कर लेंगे खंड हो गया। अब इसे हमें जोड़कर घटाकर गुणा करके चाहे जैसे करके हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या को लाना होता है। तो ग्यारह है बीच में, तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए दो दो दो, दो दूनी चार दूनी आठ, देखिए अभी गुणा करेंगे दो दूनी चार दूनी आठ, अब आठ में तीन अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एम स्क्वायर प्लस आठ प्लस कितना हो जाएगा, तीन ब्रैकेट में बंद एम प्लस ट्वेंटी फोर, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए एम स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आठ एम प्लस थ्री एम प्लस ट्वेंटी फोर। अब देखिए दो दो का जोड़ा बनाना है, ये ध्यान देना है आपको, तो एम कॉमन। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलता है उसी को हम कॉमन कर लेते हैं, तो एम मिल रहा है एम प्लस एट हो जाएगा प्लस। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए ये तीन है और तीन का भाग जो है चौबीस में चला जाएगा, यानी तीन जो है कॉमन है उसके अंदर, तो तीन कॉमन ले लिए, एम प्लस तीन अठ चौबीस। तो दोनों अगर मिल रहा है तो एक कोष्टक में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एम प्लस एट, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, एम प्लस थ्री। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, हम इसे रेज कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके कॉपी में जरूर सॉल्व करें तभी आप आगे बढ़ें। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई माइनस थर्टी सिक्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, संख्या एक माना जाएगा तो छत्तीस में एक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, छत्तीस आएगा, और छत्तीस का हम खंड कर लेंगे तो खंड करेंगे कितना आ जाएगा, अठारह नौ तीन तीन से, ठीक है। अब देखिए अब ऐसा काम करना है कि ये नौ आ जाए, तो कैसे करेंगे, दो दूना चार, देखिए दो में दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चार आएगा,
और तीन में तीन का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 9 तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो हमारा नहीं सॉरी हमको करना क्या है कि हमको 9 लाना है, तो 9 लाएंगे तो कैसे होगा देखिए। हाँ अब देखिए कि 2 2 4 4 3 12 12 में अगर हम 12 में अगर 3 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 2 4 4 3 12 12 में अगर 3 घटा देते हैं तो कितना जाएगा 9, 9 3 12 होता है, तो हमारा बन गया अच्छे से। और देखिए अब इसका ये भी नियम है कि ये दोनों अगर बन रहा है तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर ये संख्या आनी चाहिए, तो 12 3 36 हो भी जाएगा, तो हमारा सही है। वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3 ब्रैकेट बंद वाई माइनस 36, ठीक है। अब देखिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 3y माइनस 36। अब देखिए दो दो का जोड़ा बना लीजिए, y इसमें कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 12, 3 से भाग दे देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में वही संख्या मिल रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई प्लस 12, और दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा वाई माइनस 3। ये जो है हमारा गुणनखंड निकल के आया, सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर, ए स्क्वायर माइनस 3 है, सब अलग अलग टाइप्स के हैं, आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको 100% आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है, तो संख्या एक में 10 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का खंड कर लेंगे, तो खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, खंड करने के बाद, हाँ हमने खंड कर लिया, खंड करने के बाद हमको लाना कितना है 3 लाना है, तो देखिए 2 है यहाँ 5 है, अब इसे क्या करेंगे कि 3 आ जाए, तो 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 फिर ब्रैकेट बंद होने के बाद ए माइनस 10, ए स्क्वायर माइनस 5 है मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए माइनस 3 है और माइनस 10, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा धन आ जाएगा, मगर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 10 है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन होगा धन और ऋण का तो जान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत आएगा। एक सेकेंड, हाँ ए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, तो गलत अगर क्वेश्चन रहेगा चिन्ह में तो आपका आंसर जो है नहीं आएगा, तो यहाँ पर धन चिन्ह है या धन चिन्ह कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर धन होगा, ओके ये ध्यान देना है। क्वेश्चन को एक बार लिखने से पहले आपको एक बार फिर से चेक कर लेना ताकि हमारा गलत ना हो। अब देखिए खंड कर लिए हमने, 5 माइनस 3 में से घटा दिए तो 2 आए, सॉरी 5 में से यहाँ पर 2 घटेगा, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया यहाँ तक, अब हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे, दो दो का जब जोड़ा बनाएंगे तो इसमें क्या मिल रहा है ए मिल रहा है, तो ए प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रेड रेड है तो रेड कॉमन हो जाएगा, दो इसमें मिल रहा है तो दो कॉमन ले लिए, देखिए ए और माइनस जब कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 5 10 5 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस 2, ठीक है। अगर उत्तर की जांच करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अगर इतना आ जाता है तो जान लीजिए हमारा गुणनखंड सही है जो हमने आपको डेफिनेशन में बताया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो को रोक कर रोक कर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब 102 है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 102 में एक अगर करेंगे तो 102 आएगा, 102 का खंड कर लीजिए 51, अब 3 से कटेगा, 3 1 3 3 7 21 फिर 17 से,
अब ऐसा करना है कि 11 आ जाए इसमें। तो देखिए, अब देखिए, दो तिहाई इसका इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, तो दो तिहाई 6, 17 में से अगर 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 11। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 17 माइनस कितना हो जाएगा 6, उसके बाद माइनस 102। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन सही है या गलत है तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को चेक करना जरूरी है। क्वेश्चन को जब तक नहीं चेक करेंगे तब तक आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और माइनस होने के नाते अब इसे अगर हम घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी, हमारी कितनी आनी चाहिए, बीच की संख्या यानी 11 आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें, देखिए जैसे हमने बताया कि 17 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर घटा देते हैं तो घटाने के बाद जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वही जो है हमारा गुणनखंड कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं तो 11 के स्क्वायर माइनस 17 के हो जाएगा धन 6 के और माइनस 102। देख क्यों, क्योंकि देखिए माइनस 17 के में से और 6 के प्लस में घटाएंगे तो जिस संख्या का मान ज़्यादा होगा उसी का जो है चिन्ह आएगा। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद अब देखिए दो दो का जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए के कॉमन हो गया तो के यहाँ पर हो गया, एक के बाहर निकल आया तो एक के यहाँ पर रहा, उसके बाद माइनस 17, क्यों, क्योंकि के बाहर चला आया है कॉमन में, प्लस अब देखिए 6 कॉमन अगर ले लेंगे तो के कॉमन हो जाएगा। अब देखिए अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, 6 × 6 = 4, 6 × 7 = 42, चिन्ह किसका होगा, ऋण का, क्योंकि ऋण पहले से है। तो देखिए जो दोनों में मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा के माइनस 17 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा के प्लस 6, ये हमारा क्या होगा, गुणनखंड आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर क्वेश्चन को। तो आप इसे वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मायने है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, देखिए ये अलग टाइप का है, थोड़ा सा चेंजिंग है, 5x² + 3x - 14 है। अब देखिए अभी तक तो आपने जितना भी क्वेश्चन किया है इसके जो है पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं था, मगर यहाँ पर अब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज हो गई। तो हमने बताया पहले को और तीसरे को जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, चलिए गुणा कर देते हैं, तो 14 × 5 = 70, और 70 का खंड करना है, खंड करने के बाद जो भी आएगा जोड़कर घटाकर गुणा करके जो भी आए हमें कितना लाना है, 3 लाना है। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 35, फिर 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, फिर 7 से कटेगा 1। अब देखिए कितना लाना है, 3 लाना है। तो देखिए 2 में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कितना आ जाएगा 10, और 10 में से अगर 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए तो करके देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5x² धन 10x, और डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस 7x, क्योंकि यहाँ 7 है ना, तो 7x और ऋण 14। अब देखिए दो दो का जोड़ा बना लीजिए, दो दो का जोड़ा जब बनाएंगे तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ 5 मिल रहा है, 5 का इसमें भी कॉमन है, और उसका x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, हम क्या करेंगे 5x कॉमन ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ क्या बचा, यक्स प्लस 5 × 10, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऋण ऋण है तो ऋण कॉमन ले लिए, 7 और ये इसमें भी 7 का मल्टीप्लिकेशन है तो 7 इसमें क्या कॉमन ले लिए, 7 कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारा, यक्स माइनस 7 × 14, अब माइनस कॉमन लिए थे इसलिए अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब दोनों ब्रैकेट में जो मिल रहा है वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 5x - 7, ये हमारा गुणनखंड निकल कर आया। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x² + 5x - 25, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 25 × 50, और 50 का खंड कर लेंगे,
खंड करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, हमें बीच की संख्या को लानी होगी फाइव। तो क्या करेंगे कि फाइव आ जाए, तो देखिए दो में पाँच का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो दस आ जाएगा, और दस में से पाँच अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच। तो यहाँ पर हल कर देते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस फाइव एक्स और माइनस पच्चीस, दो दो का जोड़ा बना लीजिए। देखिए दो एक्स इसमें कॉमन है तो दो एक्स कॉमन ले लिए, एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस यहाँ दोनों में है तो माइनस पाँच ले लेंगे, क्योंकि पाँच इसमें है, पाँच इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, तो पाँच कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस पाँच बचे पच्चीस। ओके, तो अब दोनों में जो मिल रहा है वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस फाइव, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस फाइव, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नाइन नंबर क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आप पूरे वीडियो को देखें और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आप जो है 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाइन नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस अट्ठाईस। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए पहले को तीसरे में, तो अट्ठाईस में तीन का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आठ तरीक चौबीस और तीन दूना छः दो आठ। अब इसका खंड कर लीजिए, खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बयालीस, फिर इक्कीस, फिर तीन से कटेगा सात और सात से कटेगा एक। तो अब कितना लाना है हमें, फाइव लाना है। तो क्या करें कि फाइव आ जाए, देखिए दो दूनी चार तिहाई बारह, बारह में से अगर सात घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच। इसे हल कर लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स माइनस सात एक्स माइनस अट्ठाईस, दो दो का जोड़ा बना लीजिए। देखिए तीन एक्स इसमें कॉमन मिल रहा है तो तीन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स बचा, एक्स प्लस तीन चौके बारह, ठीक है। माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो देखिए सात का इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो सात कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस सात चौके अट्ठाईस। मगर क्यों माइनस आएगा, क्योंकि माइनस पहले से है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस यानी चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए जो दोनों मिल रहा है वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस फोर, और जो नहीं मिल रहा है वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा थ्री एक्स माइनस सेवन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दसवां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दसवां नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्वेंटी फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस चौंतीस ए, यह है। तो देखिए क्वेश्चन में ये जो है सही सुटेबल रूप में नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे बड़ी घात को करना होगा, फिर छोटी घात को, फिर तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस चौंतीस ए प्लस ट्वेंटी फोर। या तो आप पहले माइनस से भाग दे दीजिए तब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम माइनस से भाग दे देते हैं, माइनस से भाग देने पर माइनस से भाग देंगे तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस चौंतीस ए, और कितना हो जाएगा यहां पर, प्लस चौबीस। अब देखिए अब इसे गुणा करिए, पहले और तीसरे को गुणा कर दिए तो चौबीस तिया बहत्तर होता है, तो देखिए चार तिया बारह, तीन दुना छः और एक सात, बहत्तर हो गया। अब बहत्तर का जो है खंड कर लीजिए, दो तिहाई छः, दो छ बारह, उसके बाद दो एक कम दो, दो अठे सोलह अठारह, फिर नौ, फिर तीन से करेंगे तो तीन, फिर तीन से करेंगे तो एक। अब खंड होने के बाद अब इसे जोड़कर गुणाकर घटाकर चाहे जैसे, हमको लाना कितना है, चौंतीस लाना है। तो चलिए करते हैं, दो दूनी चार तिहाई, दो दूनी चार दूनी आठ त्रिक चौबीस, ठीक है। तो चौबीस में अगर हम तीन का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, चौबीस तिहाई बहत्तर, और हम कितना लाना है, चौंतीस। तो चलिए नीचे से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तीन त्रिक का नौ, नौ दूनी अठारह, अठारह दूना छत्तीस, और छत्तीस में अगर दो घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, चौंतीस। तो देखिए हमारा बन गया, तो थ्री ए स्क्वायर माइनस छत्तीस ए और प्लस कितना हो जाएगा, छत्तीस ए में से अगर हम दो घटा देते हैं तो यहाँ पर अगर हम दो घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, ठीक है। मगर देखिए ये घटेगा तो चिन्ह किसका आएगा, ऋण का ही आएगा, ये ध्यान देना है। उसके बाद प्लस चौबीस, अब ये देख लीजिए कि प्लस माइनस हमारा सही है या नहीं सही है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में वही चीज़ आना चाहिए तभी सही है, नहीं तो अन्यथा सही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा कि जब हम माइनस से भाग दिए तो ये हमारा चीज़ आ गया,
अगर माइनस से भाग नहीं देते हैं तो क्या कंडीशन आती है, ये भी आपको अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। तो चलिए अगर हम माइनस से यहाँ पर भाग दिए तो देख रहे हैं कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो है देखिए चलिए करके देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर माइनस से भाग नहीं देंगे, फिर उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो दो दो का जोड़ा बना लिए, तो इसमें देखिए तीन ए कॉमन मिल रहा है, तो तीन ए कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बारह भारतीय छत्तीस प्लस दो कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस बारह। तो देखिए यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है चिन्ह, ठीक है, तो हम माइनस से भाग नहीं देंगे। अगर माइनस से भाग नहीं देंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस चिन्ह रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी माइनस से भी भाग देंगे तो गलत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया था, यही गलत था। तो चलिए माइनस से जो हम भाग दिए थे इसे फिर से कर लेते हैं, माइनस से भाग देने पर दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाग देने पर। देखिए कहाँ गलत हुआ था, माइनस से अगर भाग दिए तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस चौंतीस था तो क्या हो जाएगा, माइनस चौंतीस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और देखिए प्लस चौबीस था तो क्या हो जाएगा, माइनस चौबीस, इतना चीज को ध्यान देना है। तो माइनस छत्तीस में से अगर टू ये घटा देंगे तो कितना जाएगा चौंतीस, मगर चिन्ह किसका है ऋण का, और यहाँ क्या होगा ऋण, ठीक है। अब देखिए अब हमने थ्री ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा ए माइनस ट्वेल्व, फिर यहाँ प्लस कॉमन लिया टू तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह ऋण का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण, तो ए माइनस ट्वेल्व। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में समान संख्या हो गई तो हमारा सही है, तो ए माइनस ट्वेल्व एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा थ्री ए प्लस टू, ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो गया। अगर माइनस से भाग नहीं देते हैं तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप इसे करके देखिएगा। अब देखिए अब अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें, चलिए एक क्वेश्चन का हम उत्तर करने की जांच बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो गुणनखंड है वो सही है या नहीं है। तो चलिए इसी में कर देते हैं, ए माइनस बारह का थ्री ए प्लस टू का गुणा कर देते हैं, जी गुणा करने के बाद अगर हमारा ये आ जाता है समीकरण तो जान लीजिए हमारा सही है। तो चलिए थ्री ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बारह ए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा टू ए, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस चौबीस, देखिए थ्री ए स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस से घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बारह है प्लस ए माइनस बारह फिर थ्री ए प्लस टू, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किया थ्री ए स्क्वायर हो गया माइनस बारह तिहाई छत्तीस हो गया यहाँ पर, सॉरी बारह तिहाई छत्तीस, छत्तीस ये हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का करेंगे तो देखिए जहाँ पर मिलेगा उसी की संख्या के नीचे लिखा जाएगा, तो टू ए माइनस बारह गुना चौबीस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए थ्री ए स्क्वायर, अब देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा, मगर चिन्ह किसका होगा, जो ज़्यादा वाला है उसी का चिन्ह होगा, तो ऋण चौंतीस है और माइनस चौबीस, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो है समीकरण कौन सा बना था, ये वाला जो भाग देने के बाद, तो भाग देने के बाद देखिए मिला लीजिए थ्री ए स्क्वायर माइनस चौंतीस है माइनस चौबीस, तो हमारा ये समीकरण सही है, यानी गुणनखंड सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है आज का क्लास समझ में आया, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।